एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शोभा। तो मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 10 पॉइंट्स टू अचीव द रिक्रूटमेंट टारगेट। आई होप वो आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ हो। बट अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, रिक्रूटमेंट टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए तो आपके पास क्वालिटी सीवीज होनी चाहिए, रिलेवेंट प्रोफाइल्स होने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 10 पॉइंट्स और 10 सीक्रेट शेयर करूंगी, जिससे कि 100% आपको रिलेवेंट प्रोफाइल्स भी मिलेंगे, क्वालिटी प्रोफाइल्स मिलेंगे एंड आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना फॉर नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप में से बहुत सारे रिक्रूटर्स फ्रेशर्स भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, बट आई एम 100% श्योर कि आज के जो पॉइंट्स है आपके लिए 100% यूजफुल होंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने रिक्रूटर्स जो है ये स्टेप्स फॉलो करते हैं और कितने सीक्रेट्स जो है जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर वन और सीक्रेट नंबर वन। आप सबको पता है, जब हम कोई प्रोफाइल नौकरी या किसी भी जॉब पोर्टल पे सर्च करते हैं तो फर्स्ट टाइम में हमें कुछ रिलेवेंट सीवीज मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपको ये चेक करना है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम में रिलेवेंट प्रोफाइल्स मिल गए हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलते हैं तो गिव एटलीस्ट अ टाइम, 2 to 3 times आप सर्च करें, और रिक्वायर्ड है तो एक बार और सर्च करें जब तक आपको रिलेवेंट प्रोफाइल्स नहीं मिल जाते। रिलेवेंट प्रोफाइल्स मतलब क्या? रिलेवेंट प्रोफाइल्स मतलब वो होता है कि जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपने इतना सर्च कर लिया है और फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, हार्डली आपको 1 or 2 प्रोफाइल्स मिले हैं बट कैंडिडेट कॉल आंसर नहीं करते या नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या करें? सी, ऐसे केसेस में आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यहां पर भी आपके पास एक होप है। जो कैंडिडेट का प्रोफाइल परफेक्ट मैच है, आप उसके सिमिलर प्रोफाइल्स में जा सकते हो एंड सिमिलर प्रोफाइल्स में जाके चेक कर सकते हो। वहां पे नंबर ऑफ प्रोफाइल्स होते हैं जो कि रिलेवेंट प्रोफाइल्स होते हैं, क्वालिटी प्रोफाइल्स होते हैं। आपको जस्ट थोड़ा सर्च करना है, स्क्रीन करना है एंड एक्टिव डेट, मतलब कैंडिडेट ने कब अपना सीवी अपलोड किया है, वो चेक करना है। अगर 1 or 2 months पहले अपलोड किया है तो भी आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर उसमें भी कोई रिलेवेंट सीवीज है तो आप उस सीवी को कंसीडर करें एंड उसमें रिलेवेंट टू रिलेवेंट और सिमिलर सीवीज में आप जाते रहें। वहां पे 100% आपको एटलीस्ट 10 टू 12 रिलेवेंट सीवीज मिल जाएंगे, जिसमें से 2 to 3 कैंडिडेट्स तो इंटरेस्टेड होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स कॉल आंसर नहीं करते हैं, कॉल रिसीव नहीं करते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि मिडल ऑफ द मीटिंग और ड्राइविंग और बस में है, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर ये कैंडिडेट्स फोन आंसर नहीं करते बट प्रोफाइल्स रिलेवेंट है, तो आपको क्या करना है कि इन कैंडिडेट्स को ईमेल ड्रॉप करना है। उस ईमेल में क्लियरली मेंशन करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस क्लाइंट के लिए है, बजट क्या है, प्रोफाइल क्या है, लोकेशन क्या है, ऑल डिटेल्स, जो भी आपको डिटेल्स कैंडिडेट को शेयर करनी हो आपको वहां पे शेयर करना है एंड ईमेल ड्रॉप करना है। साथ ही आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी वहां पे शेयर करना है इफ यू आर कंफर्टेबल। उसके बाद आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है। आप उसे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी शेयर कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी शेयर कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अप टू यू। एंड मैसेज में बताना है कि ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग सो एंड सो ओपनिंग फॉर सो एंड सो लोकेशन, एंड जो भी आपको एक शॉर्ट मैसेज में बताना है आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड उससे पूछ सकते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज रिप्लाई येस और नो विथ द रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो इससे क्या होगा कि अगर कैंडिडेट कहीं पे भी वो आंसर नहीं कर पा रहा है, आपका मैसेज उसने पढ़ लिया है, तो डेफिनेटली अगर वो इंटरेस्टेड है तो रिप्लाई जरूर करेगा, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं रिप्लाई करेगा। तो 2 to 3 days आपको कंटिन्यू उस कैंडिडेट को कॉल भी करना है, वंस और ट्वाइस इन अ डे आपको कॉल करना है एंड आपको उससे कम्युनिकेट करना है इफ कैंडिडेट आंसर्स द कॉल। बहुत बार ऐसा होता है कि एज पर द रिक्वायर्ड कैंडिडेट की एक्सपीरियंस कम होती है, जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है बहुत कम होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट, तो वहां पे आपको 6 to 7 years का एक्सपीरियंस कंसिडर करना है इन डेवलपमेंट। बिकॉज इनिशियली जब कैंडिडेट ज्वाइन करता है एज अ फर्स्ट जॉब ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो 6 months का है वो है प्रोबेशन पीरियड होता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है ये प्रोबेशन पीरियड इंक्लूड नहीं करती है, क्योंकि वो तो लर्निंग पीरियड होता है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं 1 year उन्होंने किसी और प्रोफाइल पे वर्क किया है, जिससे कि उनका 5 years का एक्सपीरियंस होते हुए भी 2 or 3 years का रिलेवेंट एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे सर्चेस करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई भी रिलेवेंट प्रोफाइल्स नहीं मिल रहा है,
तो ये एक बेस्ट टिप है। सो आपको टारगेटेड कंपनी से सर्च करना है। लेट्स से एग्जांपल कि अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री के लिए रिक्रूट कर रहे हो तो जो रिक्वायरमेंट है दूसरी आईटी इंडस्ट्रीज या अगर उस कंपनी की कोई टारगेटेड कंपनीज होती है, जैसे एमएनसी कंपनी की एमएनसी टारगेट कंपनीज होती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है और स्मॉल कंपनीज होती है उसके ही अकॉर्डिंगली कोई टारगेटेड कंपनीज होती है, तो आपको उन टारगेटेड कंपनीज में से रेज्यूम सर्च करने होंगे। तो आपके पास जो नंबर्स है, जो नेम्स है, वो होने चाहिए कि दैट एबीसी कंपनी की कौन सी टारगेटेड कंपनीज है। अगर फिर भी आपको टारगेटेड कंपनीज नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, आपको एबीसी क्लाइंट, जिस क्लाइंट लिए आप वर्क कर रहे हो उस क्लाइंट के एम्प्लॉयज को चेक करना है कि वो एम्प्लॉयज कहाँ से आए हैं। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं सेम कंपनी में, आप क्लाइंट की कंपनी में, वो एम्प्लॉयज, वो कैंडिडेट्स कहाँ से आए हैं, किस कंपनी से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उनका है, क्या उनकी प्रीवियस और लास्ट कंपनी है, उस कंपनीज को आपको टारगेट करना है एंड उस कंपनी से ही आपको कैंडिडेट्स सर्च करने हैं, पिच करने हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो हम उनसे रेफरेंसेस मांगते हैं कि अगर उनके पास कोई रेफरेंस है जो कि सेम प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च कर रहा है, इंटरेस्टेड है। कुछ कैंडिडेट्स रेफरेंस दे देते हैं, कुछ कैंडिडेट्स रेफरेंस नहीं देते हैं, तो आप उन कैंडिडेट्स को भी पूछ सकते हो जिन्होंने सेम प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है। आप उन्हें ये कह सकते हो कि सेम प्रोफाइल के लिए 5 ओपनिंग्स है, तो अगर आपके कोई कलीग, कोई फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा रेफरेंस है जो कि अप्लाई करना चाहता है इस प्रोफाइल के लिए, प्लीज शेयर द नंबर। Nowadays LinkedIn के थ्रू बहुत सारे पोजीशंस क्लोज हो रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाते हैं, तो अगर आपको पता है कि LinkedIn कैसे यूज किया जाता है फॉर द रिक्रूटमेंट, फॉर दिस कम्युनिकेशन, तो आप वहां पे जॉब पोस्टिंग कर सकते हो एंड जो भी कैंडिडेट्स, जिस कैंडिडेट का भी प्रोफाइल आपको रिलेवेंट लगता है, आप उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो एंड उनके साथ जेडी शेयर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप पोजीशंस भी क्लोज कर सकते हो। LinkedIn पे आपको जो भी रिलेवेंट कैंडिडेट लगता है उसका नाम एंड उसका करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन सा है, वो आपको वहां से पिच करना है, पिक करना है एंड देन वो सेम नौकरी पे सर्च करना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज इसमें बहुत सर्चिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हो जॉब पोस्टिंग एंड मास मेलिंग, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा। सो जॉब पोस्टिंग एंड मास मेलिंग, अगर आपको पता है कि आपको कल किस रिक्वायरमेंट पे वर्क करना है और एल्स आपको अर्ली इन द मॉर्निंग पता चल जाता है कि आपको किस रिक्वायरमेंट पे काम करना है, तो आपको जॉब पोस्टिंग एंड मास मेल्स सबसे पहले करने हैं एंड उसके बाद आपको सोर्सिंग शुरू करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपको अपना रिक्रूटमेंट ट्रैकर एंड इंटरनल डेटाबेस जो है मेंटेन करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोफाइल सर्च करते हैं किसी और कंपनी के लिए, किसी और रिक्वायरमेंट के लिए, बट हमें किसी और रिक्वायरमेंट के प्रोफाइल्स मिलते हैं जो कि रिलेवेंट प्रोफाइल्स होते हैं, बट आपने उन्हें सर्च किया है एंड वो प्रोफाइल जब आपको वापस नेक्स्ट टाइम सर्च करना तो इजिली नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है कि उस प्रोफाइल्स को डाउनलोड करके विथ नेम एंड किस प्रोफाइल के लिए रिलेवेंट है, वो पोजिशन का जो हेडलाइन है आपको देना है एंड उस हेडलाइन एंड नेम से सेव करना है अपने इंटरनल डेटाबेस में। सेम इंफॉर्मेशन आपको अपने रिक्रूटमेंट ट्रैकर में अपडेट करना है एंड वहां पे नोट्स में लिखना है दिस प्रोफाइल कैन बी कंसीडर फॉर सो एंड सो रिक्वायरमेंट फॉर सो एंड सो क्लाइंट। तो अगर आपने ऑलरेडी सेम प्रोफाइल पे सीवी शेयर कर दी है तो ठीक है, जरूरत नहीं है, बट अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं एंड आपके पास ये प्रोफाइल्स है तो आप इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो एंड इनके प्रोफाइल्स जो है नेक्स्ट स्लॉट जब आपको शेयर करना है तब ये प्रोफाइल्स जो है आप शेयर कर सकते हो। सो ये है टॉप 10 सीक्रेट्स एंड 100% दिस विल वर्क, बट आपको थोड़ा पेशेंटली एंड कॉन्सेंट्रेट करके वर्क करना है बिकॉज ऐसा नहीं कि ये नहीं तो वो नहीं, तो आपको जो चाहिए वो शफल कर सकते हो बट पेशेंटली आपको करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप किस रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हो और क्या रिक्वायर्ड है, क्या मस्ट स्किल है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने आपके साथ सीक्रेट शेयर किए है वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।